गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो अभी आई एम मेकिंग फॉर यू, द टाइटल इज टोटली डिफरेंट एंड आई हैव फोकस हियर रूममेट इन हॉस्टल। इसको थोड़ा सा मैं अगर कहूँ आपको कि जो रूममेट है इन हॉस्टल, हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट। सो इन हॉस्टल एक्चुअली द रूम इज वेरी इम्पोर्टेंट। वन हॉस्टल एंड रूम, इफ आई कैन मेक दैट रूम और लाइक दैट हाउस, इट इज नॉट मैटर, बट वन रूम एक्चुअली प्ले द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ स्टूडेंट लाइफ। वो स्टूडेंट लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ उसके साथ और दूसरे फ्रेंड हैं। यहाँ में कुछ पॉइंट्स के थ्रू एक कंसेप्ट जो है वो शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में, और इसी से रिलेटेड ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो मे बी हेल्पफुल टू यू। और किस तरीके से आप देखते हैं तो आप भी शेयर करना, अगर आपको लगता है कि रूममेट इन हॉस्टल, हॉस्टल लाइफ जो है स्टूडेंट लाइफ के अंदर वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसी पॉइंट को देखते हैं, और कुछ केसेस में वो मैं क्या कहूँ कि कितना वर्स है फॉर समवन। किसी के लिए हैप्पीनेस है रूममेट, किसी के लिए वर्स केस है। तो दोनों सिचुएशन देखते हैं अभी, तो क्या पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ जो मैंने सेलेक्ट किया है, दैट पॉइंट इज एक्चुअली लेट नाइट वर्सेज अर्ली मॉर्निंग। जरूरी नहीं है, अभी यहाँ एक ये फर्स्ट और दिस इज सेकंड, ये मेन कैटेगरी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। एक बच्चा या एक फ्रेंड आपका वो लेट नाइट तक स्टडी करता है और फिर लेट मॉर्निंग उठता है। लेट नाइट मीन्स यू कैन से कि अप टू 3 o'clock इन नाइट, आप ऐसा बोल सकते हैं कि नाइट में वो 3 o'clock तक पढ़ता है। लेकिन जो दूसरा फ्रेंड है आपका, उसकी हैबिट क्या है कि वो सुबह उठकर पढ़ता है, राइट। तो यहाँ जो केस है वो टोटली डिफरेंट हुआ। इसका केस ये है कि ये मॉर्निंग में 3 o'clock उठेगा या 4 o'clock उठेगा और फिर स्टडी करेगा। ये क्या करता है, ये राइट, ये आपका लेट नाइट तक स्टडी करता है, ठीक है। तो अब इन दो की फ्रीक्वेंसी कैसे मैच कर सकती है, ये वो अभी ये जो लेट नाइट स्टूडेंट है जो लेट नाइट तक पढ़ता है, ये कहेगा ये लाइट ऑन करके रखेगा, एक्चुअली हम इसकी लाइट ऑन रहेगी और ये जल्दी सो जाएगा, राइट, ये बेड पर जो है वो जल्दी सो जाएगा। तो अब क्या प्रॉब्लम है, ये अगर इसको, ठीक है, ये स्टूडेंट कहता है कि ये लाइट बंद कर दे तो मुझको भी सोना है, ठीक। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है या फिर ये इसको एक्सेप्ट करता है कि भाई यू कैरी ऑन, आप अपनी स्टडी करिए और मैं साइड अपने जो भी जितना भी मुझको उठना है मैं उठ जाऊंगा। तो एक सबसे पहला पॉइंट आता है इस पॉइंट पर, जब हम हॉस्टल लाइफ के अंदर हैं तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो कि आपका फ्रेंड लेट नाइट तक जगता हो और आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो। तो अभी यहाँ जो पॉइंट है वो मैं केवल पॉइंट ही बता रहा हूँ, आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है या एडजस्ट करना है या क्या करना है, राइट। तो लेकिन यहाँ पॉइंट है जो हम लोगों की लाइफ में रहता है। दूसरा पॉइंट स्पेस, ये दूसरी कैटेगरी है। यहाँ जो स्पेस है एक्चुअली वो होता है कि जैसे रूम के अंदर एक फ्रेंड है तो उसने जो है ना कितना स्पेस लिया हुआ, ठीक है, उसका बेड कहाँ है, उसका लगेज, उसकी बुक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर ये फ्रीक्वेंसी यहाँ जो सेकंड वन है उसके साथ मैच कर जाए, गुड, कि आप अपना बेड कैसे भी रखो, ठीक है, आप अपने लगेज कहीं भी रखो, आप अपनी बुक्स, अपनी अलमीरा, अपना टेबल कहीं भी रखो, वो एडजस्ट करता है, राइट, ओके। बट इफ सपोज आप या कोई भी पर्सन है जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, देन
क्या? तो ये सेकंड पॉइंट है हॉस्टल लाइफ के अंदर। आप देखते रहिए स्मेल वर्सेस फूड हैबिट्स, ये थर्ड पॉइंट है। आप स्मेल मीन्स स्मेल को आप फ्रेग्रेंस कहिए या रियल स्मेल कहिए, स्मेल इन शूज, स्मेल इन क्लोथ्स, और फ्रेग्रेंस इन इन क्लोथ्स, और फ्रेग्रेंस बाय यूजिंग बाय यू, राइट। तो वो आप एक्चुअली वो कहीं ये पॉइंट आपके माइंड के अंदर तो नहीं है, राइट। इफ यू हैव नोटिस द स्मेल ऑफ द सेकंड पर्सन और वहां आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं प्रॉब्लम, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फ्रेंडशिप, आप राइट। दूसरा फूड हैबिट्स, फिर आप फूड किस तरीके से, आप आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, आप वेज हैं या नॉन वेज हैं, लाइक दैट। ये भी कंसेप्ट माइंड में आ सकता है। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नॉन वेज है तो आप उसको लेट देम फ्री कि आप भाई अपना एंजॉय कीजिए, और आप अपना एक्सेप्टेंस हैं, यू विल एंजॉय द हॉस्टल लाइफ। इफ यू डोंट एक्सेप्ट देन यू विल फेस द प्रॉब्लम, राइट। एंड मैक्सिमम टाइम जो होगा आपका इसी साइड में रहेगा। अब फोर्थ हैबिट क्या है, ड्रेसिंग सेंस वर्सेस कल्चर, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। आप ड्रेसिंग क्या है, आप उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये पर्सन जो है ये कंप्लीट फिट, राइट। तो अभी यहाँ सेकंड पर्सन है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि व्हाट बेसिकली इज वेयरिंग और ड्रेसिंग सेंस क्या है। अगर आप ड्रेसिंग उसकी एक्सेप्ट कर ली, गुड, आप अच्छे फ्रेंड। अगर आप ड्रेसिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, देन यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, तब आप उसकी प्रॉब्लम फेस करेंगे। सेम फॉर द कल्चर, आप किसी दूसरी स्टेट से हैं, वो किसी दूसरे स्टेट से हैं, या फिर वो कंट्री, डिफरेंट कंट्री, या रिलीजन लाइक दैट, सो दिस मे बी राइट। सो दीज मे बी पॉइंट्स। सो इफ यू एक्सेप्ट ऑल दीज देन यू आर गुड फ्रेंड, बट इफ यू डोंट एक्सेप्ट देन देर इज अ प्रॉब्लम। सो दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द ई पॉइंट रिलेटेड टू द साउंड। इफ यू एक्सेप्ट द साउंड इन योर रूम क्रिएटेड बाई योर फ्रेंड, राइट, देन यू विल इंजॉय। इफ यू डोंट लाइक द साउंड, देन यू विल फेस द प्रॉब्लम, राइट। साउंड मीन्स अ वीडियो प्लेयर, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक, फ्रेंड्स, गॉसिप ऑफ द फ्रेंड्स, लाइक दैट। ऑल काइंड ऑफ साउंड्स आर इंक्लूडेड हियर। इफ यू एक्सेप्ट क्रिएटेड साउंड बाई योर फ्रेंड, देन यू विल एंजॉय द लाइफ, देन दिस फेस विल बी लाइक। इफ यू डोंट लाइक, देन यू विल लाइक दिस, यू विल फेस द प्रॉब्लम, राइट। सो साउंड वाज द नेक्स्ट पॉइंट। एंड नाउ द नेक्स्ट इज द मोबाइल फोन। योर फ्रेंड सेज दैट एवरी टाइम यू रिमेन ऑन द मोबाइल फोन यू क्रिएट द डिस्टर्बेंस, राइट, लाइक दैट। और इफ यू एंजॉय टॉकिंग विद और ऑन मोबाइल विद योर फ्रेंड, देन हैप्पी फ्रेंडशिप, यू विल एंजॉय। इफ नॉट, यू विल फेस द प्रॉब्लम। So these were some points which I have noticed during my hostel life also, and maybe you. So you just enjoy the hostel life. The roommates means healthy relationship. Enjoy it, right? Enjoy. माई डियर फ्रेंड्स, रूम मेट्स इन हॉस्टल और एनी वेयर, राइट, वो अच्छे फ्रेंड है। एंड सेकेंड थिंग जो यहाँ मैं आपको, एक्चुअली ये सेकेंड वीडियो के लिए मैं छोड़ देता हूँ, अभी तो ये जस्ट पॉइंट मेंशन किए थे कि अगर आप हॉस्टल लाइफ के अंदर हैं और आपका रूम मेट है आपके साथ में, आप टू हैं, थ्री हैं, फोर हैं, फॉरगेट अबाउट द नंबर, कहीं आप इनमें से जो कुछ पॉइंट अभी शेयर किए हैं उन पर तो फोकस नहीं करते हैं इन योर लाइफ, और कहीं अपने माइंड की एनर्जी
वेस्ट तो नहीं करते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ, सो एंजॉय द हॉस्टल लाइफ एंड इफ यू फेस सच काइंड ऑफ थिंग देन यू कैन राइट द मैसेज एंड इफ यू थिंक दैट आइडिया इज गुड और यू कैन बेसिकली यूज इट टू मेक द हेल्दी रिलेशनशिप देन इट विल बी गुड, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। राइट, और आई विल बी हैप्पी टू नो मोर अबाउट इट इफ इन एडिशन टू दिस अदर पॉइंट्स आर, बिकॉज स्टडी आई हैव नॉट इंक्लूडेड हियर डायरेक्टली, आई हैव यूज द पॉइंट दोज पॉइंट्स ऑन विच बेसिकली जनरली फ्रेंड्स इन द होस्टल्स फोकस। राइट, सो थैंक्स फॉर योर टाइम।